ऑल राइट, पेटीएम पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक भाई, आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक बैन कर दिया है। जी हाँ बिल्कुल, और बहुत सारे लोगों का ये पता चल चुका है। सो मेरे से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या हम इसे यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसमें पैसा रखना सेफ है या नहीं है। एंड एक क्वेश्चन ये है कि क्या हम इसमें अकाउंट दोबारा ओपन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सो देखो, आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक भाई बैन कर दिया है। हो सकता है भाई कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो तभी भाई बैन किया गया हो। एंड ये बैन कब तक चलेगा कुछ भी कन्फर्म नहीं है। और देखो इसमें क्या है, आपका ऑलरेडी अकाउंट है, सो आप इजीली यूज कर पाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, यूज करते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं न्यू अकाउंट अपना ओपन करूं, पेटीएम पेमेंट बैंक में न्यू अकाउंट ओपन करके यूज करूं, तो आप बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, बिकॉज आरबीआई ने भाई पेटीएम पेमेंट बैंक बैन कर दिया है। इसमें न्यू अकाउंट ओपन नहीं हो सकता, जिसका पहले से ओपन हुआ पड़ा है वो यूज कर सकता है। एंड मैं आप लोगों से एक ही भाई यहां पर रिक्वेस्ट करूंगा, इसमें ज्यादा पैसा मत रखना, क्योंकि भाई कुछ भी हो सकता है। अभी कुछ भी यहां पर कंफर्म नहीं है कि आगे भाई अनबैन किया जाएगा या बैन ही रखा जाएगा, कुछ भी अभी कंफर्म नहीं है। जब तक भाई पेटीएम कंपनी अपना भाई ऑडिट करवा के रिपोर्ट भाई आरबीआई को सबमिट नहीं करती है, तब तक ये बैन रहेगा। अब ये बैन कब तक चलेगा कुछ भी कंफर्म नहीं है। बहुत सारे लोगों का यही क्वेश्चन था कि भाई मेरा जो उसमें पैसा है वो मेरा डूब जाएगा या मिलेगा। तो देखो, आपका अगर अकाउंट है सो आप इजिली यूज करते रहो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन ज्यादा पैसा मत रखना, क्योंकि अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है भाई, क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ भी कंफर्म नहीं है। लेकिन जहां तक उम्मीद है भाई, पेटीएम जल्दी अनबैन हो जाएगा और आप इसे अच्छी तरह यूज कर पाओगे, जैसे अभी आप नॉर्मल यूज कर रहे हो वैसे आप इसमें अकाउंट ओपन कर सकते हो, यूज कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन फिलहाल के अभी टाइम में भाई बैन किया गया है। आप लोगों को पता है भाई, पेटीएम को पहले भी बैन किया गया था 2018 में, एंड एचडीएफसी बैंक पे भी बैन लगाया गया था, जिसमें एचडीएफसी बैंक भाई अपने कस्टमर को क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड नहीं कर सकता था। काफी टाइम बाद भाई अनबैन किया गया था, जो अब भाई एचडीएफसी जो बैंक है वो अपने कस्टमर को क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करता है। सेम इसी तरह भाई पेटीएम का कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ होगा जो आरबीआई ने भाई बैन लगा दिया है, जल्दी ये भाई अनबैन हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। बाकी आप नॉर्मल यूज करते रहो, लेकिन न्यू अकाउंट ओपन नहीं कर पाओगे। एंड आप लोगों जो भी पैसा है सेफ है, घबराने की बात नहीं है, आप इसे निकाल सकते हो, यूज कर सकते हो, लेकिन ज्यादा पैसा भाई पेटीएम पेमेंट बैंक हो गया या कोई भी पेमेंट बैंक हो गया उसमें नहीं रखना चाहिए, क्योंकि भाई ये कब भाई ब्लॉक हो जाता है अकाउंट, कब भाई अनब्लॉक होगा कुछ भी भाई कंफर्म नहीं है। सो होप आप लोगों जो मैंने डिटेल दिया सब कुछ समझ में आ चुका है। आप लोगों जो भी क्वेश्चन था भाई मैंने डाउट क्लियर कर दिया। बाकी आप लोगों अगर कोई मैं क्वेश्चन मिस करता हूं, सो नीचे मेरे से कमेंट करके भाई पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। सो वीडियो पसंद आएगा लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो जरूर सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। सो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।